दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पानी की मोटर का प्रेशर कम क्यों होता है, किस कारण से वो पानी नहीं देती और पानी को खींचती भी नहीं, उसमें ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है, वो आज आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है उजाला कंपनी की मोटर। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो प्रेशर था बहुत ही डाउन हो चुका था, यानी कि ये दूसरी मंजिल पर पानी नहीं दे रही थी। तो इसमें क्या कारण हुआ था वो आज आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूँ कि ये जो एम्पियर है ये बिल्कुल सही है, फिर भी ये मोटर ऊपर प्रेशर नहीं दे रही। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, तो इसका जो हेड है वो क्या है दोस्तों, कट चुका है। तो मैंने इसको इतना डाउन करवा दिया है, ये लेथ मशीन से इतना डाउन करवा दिया है, और ये धारी नीचे, ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही ये मैंने थोड़ा डाउन करवा के नीचे की तरफ बना दिया है। लगभग 2.5 mm इसका जो गैप था मैंने वो कट लगवा के बराबर कर दिया है। तो ये अब मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये आगे का जो हिस्सा है वो इस एम्पलर के हल्का सा टच होके चलना चाहिए। अगर हल्का सा टच होके चलेगा तो ये मोटर प्रेशर देगी। तो दोस्तों, एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि जब मोटर अगर ऊपर की तरफ पानी ना दे तो उसका भी एक रीज़न होता है। जैसे आपको ये किनार दिखाई दे रही है, ये अभी इसकी तो बिल्कुल सही है, बल्कि ये यहाँ से कट जाती है, इस कारण भी मोटर प्रेशर नहीं देगी। तो दोस्तों, उसका कारण क्या होता है कि वे जब हम मोटर घूमती है तो यहाँ से पानी टकरा के ही ऊपर की ओर जाता है। तो वो क्या होता है कि जब यहाँ से ये किनार कट जाएगी तो सीधा ही पानी आगे की तरफ निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये किनार कटने के कारण प्रेशर नहीं देगी। तो दोस्तों, अभी हम इसको फिटिंग करते हैं और इसका जो प्रेशर है वो देखते हैं कि प्रेशर किस तरह से देती है। प्रेशर हमको चेक करने के लिए हमको अपने हाथ से देखेंगे कि ये खींचती है या नहीं खींचती। तो चलो हम इसको फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पर ग्रेस लगा लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से ग्रेस लगा लेना है ताकि यहाँ पर जंग आए तो वो पानी की लीक ना हो, अच्छे से ये बैठ जाए। तो ये पेच भी हम नए लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी स्लिप ना हो। दोस्तों, इसको इस तरह से फिटिंग करना होता है, तो हम इसको फिटिंग करते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको थोड़ी हल्की आगे चोट मारनी है। तो अब हमको पेच मिला लेना है। तो दोस्तों, हमने हेड को कस लिए, अब हम इसमें थोड़ा पहले पानी डाल लेते हैं। पानी डाल के ही मोटर को चलाना चाहिए, क्योंकि अगर सूखी चलाएंगे, बिल्कुल खाली चलाएंगे तो इसमें सील जल जाएगी। तो दोस्तों, मोटर चला चुके हैं, अब हम इसको देखते हैं। अब हमको धीरे धीरे इसको टाइट करना है, यहाँ से हमको टाइट कर लेना है। तो हम इसको टाइट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टच होकर चलना है। दोस्तों, अगर ज़्यादा टच होता है तो थोड़ी इसमें हमको मिट्टी डाल लेनी है, बिना कंकर की मिट्टी डालना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आगे थोड़ा टच होकर चलता है, तो मैं इसमें थोड़ा मिट्टी डालने वाला हूँ, हल्की हल्की सी मिट्टी डालना है। अब हमको थोड़ा बैच को टाइट करना है, तो हम बैच को टाइट कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल ये आगे होना चाहिए, बिल्कुल टाइट होने चाहिए बैच। तीनों को हमको बराबर करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो हम इसमें पानी डालेंगे, अब जैसे ही मेरे हाथ की तरफ आप देखोगे तो मेरे हाथ को ये मोटर खींचने लग चुकी है। तो ये देखिए कि ये देखिए मोटर मेरे हाथ को खींच रही है, और ये देखिए इस तरह से मोटर खींचने लगेगी तो मानो कि इसका प्रेशर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हाथ को बिल्कुल अच्छे से खींच रही है। हम इसमें पानी डालेंगे, तो थोड़ा और पानी डाल लेते हैं, और आप देख सकते हो मेरे हाथ को ये मोटर बहुत अंदर की तरफ की ओर खींच रही है, अंदर की तरफ। ये देखिए, यानी कि इसका जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। अगर इसमें प्रेशर कम है तो इस लेथ मशीन पे ले जाके इसको थोड़ा डाउन करवा के प्रेशर बढ़ाया जाए।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।